क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीरता नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से

फिर हमने क्या देखा हमने फंक्शनल रोल देखा कि कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट का क्या फंक्शनल रोल होता है कि कौन अच्छा चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं उनके आप मुझे आंसर बताएंगे कि आपको यह बताना है कि कौन सा मिनरल एलिमेंट ऐसा है को, वे कौन से वे कौन से मिनरल एलिमेंट है जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में इस्तेमाल होते हैं जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के जल के प्रकाशी विघटन में जिनका इस्तेमाल करते हैं उन मिनरल न्यूट्रिएंट के नाम बताइए सुनिए क्वेश्चन ध्यान से और कमेंट में आंसर लिख भेजेगा उन मिनरल न्यूट्रिएंट के नाम बताइए उन मिनरल एलिमेंट्स के नाम बताइए जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होते हैं क्लियर उस मिनरल एलिमेंट का नाम बताइए जिसकी कमी से आपको एक प्रोमिनेंट सिम्टम देखने मिलता है और वो होता है डेथ ऑफ मरिस्टेम मरिस्टेम की मृत्यु हो जाती है के डेथ ऑफ मरिस्टेम आपको किस मिनरल न्यूट्रिएंट की जो है वो कमी में देखने मिलता है के तो बताना आपको ये कि कौन सा मिनरल न्यूट्रेंट की डिफिशेंसी होगी तो आपको जो है वो डेथ ऑफ मरिस्टेम देखने मिलेगा ठीक है क्लियर फिर बताइएगा आप कि वो कौन सा मिनरल एलिमेंट है जो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए वो कौन सा मिनरल एलिमेंट है जो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए क्लोरोफिल को बनाने के लिए एज ए कैटलिस्ट काम करता है एज ए कैटलिस्ट काम करता है लेकिन क्लोरोफिल का हिस्सा नहीं होता है ठीक है वो कौन सा मिनरल एलिमेंट है जो क्लोरोफिल को बनाने के लिए एज ए कैटलिस्ट काम करता है लेकिन क्लोरोफिल का हिस्सा नहीं होता है क्लियर नाउ यू गॉट ऑल दी तो अब आपके, आपको इनके आंसर करने बेटा है ना ठीक है चलिए आज हम बात करेंगे बेटा नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर बात करेंगे आज हम बात करेंगे कि पौधों में नाइट्रोजन का क्या इंपॉर्टेंस है और दूं मैं नाइट्रोजन साइकिल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल प्रकृति में कार्बन साइकिल ना हो तो जीवन नहीं हो सकता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जल चक्र ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं है ऑक्सीजन ना हो तो तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं है तो देखो सी एच ओर ओ इनकी कमी के बारे में तो हम ही नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जब जिस दिन, जिस दिन दिन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जिस दिन कमी होगी फ्रेमवर्क एलिमेंट होते हैं लेकिन नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम एलिमेंट जो जो मैक्रो एलिमेंट है जिनकी पौधों को बड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है और इनकी डिफिशियंसी पौधों में हो सकती है क्लियर कोई भी साइकिल कोई भी हम जो है बेटा कोई भी यदि हम जो है वो मिनरल साइकिल की बात करें देखो साइकिल का मतलब क्या है साइकिल का मतलब यह कि पौधों के बीच में जीवित जीवों के बीच में इस धरती के बीच में जो मिनरल एलिमेंट है जो न्यूट्रिएंट है उसका फ्लो किस प्रकार से होता है मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा मैं आपको इकोलॉजी का एक पॉइंट बतला रहा हूं मैं आपको इकोलॉजी का एक पॉइंट बतला रहा हूं वो पॉइंट क्या है बेटा वो ये है कि हमारी अर्थ एक सिस्टम के समान काम करती है एक तंत्र के समान काम करती है आवर अर्थ इज एन ओपन सिस्टम फॉर एनर्जी हमारी धरती जो है वो ऊर्जा के लिए एक खुला तंत्र है मतलब ऊर्जा लगातार सन से रिसीव की जाती है सोलर एनर्जी को लगातार रिसीव करते हैं तो अर्थ इज एन ओपन सिस्टम फॉर दी सोलर एनर्जी बट इज ए क्लोज सिस्टम फॉर दी मटेरियल्स के जो पदार्थ है वो धरती के धरती में ही रहते हैं मतलब कोई एलिमेंट एटमोस्फेयर में गया जमीन में आया पानी में गया मतलब कुल मिलाकर ओवरऑल जो है वो इस अर्थ पे ही रहता है तो अर्थ इज ए क्लोज सिस्टम फॉर दी के क्लियर बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है हमने कि वॉटर हट के वाटर नदियों में पानी नदी में बह रहा है समुद्र में मिल गया समुद्र में इपरेशन हुआ भाप बन गया वाप बन के वेपर्स बने क्लाउड बने बादल बने बादलों ने रेनफॉल किया पानी गिरा पानी जमीन पे गिरा बहता हुआ पानी नाली में गया नदी में गया नदी से फिर समुद्र में चला गया कुल मिलाकर वाटर ऐसे लगातार घूम रहा होता है अर्थ पट के वैसे ही बाकी सब एलिमेंट होते हैं अब एक बड़ी मजे की बात यह होती है बेटा की मजे की बात में क्यों बोलता हूं क्योंकि आप जानिए मैं इसलिए बोलता हूं बेटा कि हम सब्जेक्ट को यदि हम सोचते ना कि ये बोर है डल है रटना पड़ेगा ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा तो कभी याद नहीं होता उसके। इसलिए आप जानने की कोशिश कीजिए कि जस्ट इमेजिन कि वी आर गोइंग टू रिबिल सीक्रेट्स ऑफ द नेचर प्रकृति के रहस्यों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं तो कोई भी साइकिल किसी भी मिनरल न्यूट्रंट का जो साइकिल होता है ना बेटा उसमें एक होता है एक क्या होता है जहां बड़ी मात्रा में मिनरल एलिमेंट आपको देखने मिलेगा वो जैसे कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का रिजर्वर है एटमोस्फेयर हमारे वायुमंडल में आप देखेंगे तो सेवनटी से ऊपर तो नाइट्रोजन है कितना सेवेंटी से ऊपर नाइट्रोजन प्रेजेंट है देन ऑक्सीजन है उसके बाद है कि नहीं है ना ठीक है चलिए तो अभी हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल बात करते हैं आप देखो बेटा के पौधों के लिए पौधों के लिए एक बात प्लांट के लिए एक बात समझ लीजिए बेटा कि पौधों के लिए जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है एन ये किसी भी काम का नहीं होता है इट इज नॉट यूजफुल फॉर प्लांट क्यों भाई इतना सारा 78% परसेंट तक जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन है खूब मजा करो खूब वृद्धि करो प्लांट लेकिन प्लांट बोलता भैया बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है वो बड़े स्ट्रांग बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसको हम दोनों नाइट्रोजन को अलग अलग नहीं कर पाते हैं हमें कुछ बनाना है कुछ क्रिएट करना है तो हम इसका क्या करेंगे जो टूटी नहीं रहा इसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हम ठीक है मतलब जो मॉलिकुलर नाइट्रोजन है ना उसका इस्तेमाल करना पौधों के बस का नहीं है ठीक है और अब इस मॉलिकुलर नाइट्रोजन को इस्तेमाल करने के लायक कौन बनाता है सुनिए बात सुनिए बात ध्यान से जो एंटू है बेटा उस एंटू को प्लांट इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर पाता है क्योंकि हमको मालूम है कि पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं नाइट्रेट के रूप नाइट्रेट के रूप में नाइट्राइट के रूप में ठीक है अमोनियम आयन के रूप में के ये पौधों के लिए फेवरेबल फॉर्म होते हैं के ये पौधों के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने वाले फेवरेबल फॉर्म होते हैं है, के इससे प्लांट जो है नाइ इस नाइट्रोजन को पौधा इससे वो नाइट्रोजन निकाल के प्लांट यूज करेगा लेकिन जब आप उससे मॉलिकुलर नाइट्रोजन दोगे तो प्लांट उसका यूज नहीं कर पाएगा बोलेगा भैया मेरे बस का नहीं है आई नॉट यूज दिस नाइट्रोजन इतना स्ट्रांग वर्ड क्या करूंगा कैसे तोड़ूंगा इसको मैं तो नहीं कर पाएगा यूज एंड इट इज नॉट एनर्जी एनर्जेटिकली फेवरेबल ऑल्सो के वो उसके लिए फेवरेबल नहीं कितना एनर्जी खर्च करेगा उसके लिए के प्लांट तो प्रकृति में कुछ देखो ऐसा है कि ये जो जो हम कह, देखो यार एक बात बताऊं आपको कि मैं आपसे बड़े पति की एक बात कहता हूं बेटा कि हम सब लोग के हम सब लोग किस बारे में भेदभाव करते हैं हम क्या किस बारे में भेदभाव करते हैं हम वो कहता है वो कह सामने वाला कहता है कि भगवान श्री राम या भगवान वही सब कुछ है दूसरा आदमी कहता है अल्लाह सब कुछ है तीसरा कहता है नहीं गॉड सब कुछ है सब अपने अपने मत देते हैं पर सच्चाई तो यह है कि वही ऑक्सीजन हम लेते हैं वही आप लेते हो वही तीसरा लेता है हटके सच्चाई तो यह है कि वही उगता है वही धरती है वही पौधे हैं वही सब कुछ आसपास में हमारे हटके बनाने वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया हम सब लोग इतने छोटे प्राणी हैं इतने छोटे हैं रेत के कण के समान हैं जो ईश्वर की व्याख्या नहीं कर सकते हैं और हम जो व्याख्या करते हैं वो भी सही नहीं है इसीलिए हम हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए आप ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के आप जो है यूथ हैं आपको इन सब चीजों से आपको वास्ता नहीं होना चाहिए हाँ आपके बिलीफ मैं मैं मानता हूं ईश्वर को मेरे बिलीफ मेरे तक दूसरे के बिलीफ को जज करने का मुझे कोई राइट नहीं है दूसरे व्यक्ति से कोई डिस्क्रिमिनेशन करने का मुझे कोई राइट नहीं कोई अधिकार नहीं है मुझे कभी मॉस्क दिखाई पड़ेगी तो मैं झुक जाऊंगा मंदिर दिखाई पड़ेगा तो मैं झुक जाऊंगा गिरजाघर तो दिखाई देगा तो मैं झुक जाऊंगा मुझे जो है गुरुद्वारा दिखाई देगा तो मैं झुक जाऊंगा जो भी दिखाई पड़ेगा जैन मंदिर बौद्ध मंदिर सब जगह झुक जाऊंगा क्यों क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे आशीर्वाद मिले अधिक से आशीर्वाद मिले ताकि मैं जीवन में तरक्की कर सकूं इसीलिए प्रकृति में कोई भेद नहीं किया मैं आपको क्यों बता रहा हूं चीज क्योंकि देखिए प्रकृति ने उपाय ढूंढे कैसे जैसे मोलिकुलर नाइट्रोजन जो है वो काम का नहीं है अब क्या किया? बिजली चमकती आसमान में लाइटनिंग होती है थंडर होता है हमको लगता है अरे बिजली चमक रही है थंडर हो रहा है क्या होगा इससे जो नाइट्रोजन वायुमंडल में प्रेजेंट है ना मोलिकुलर नाइट्रोजन

जो ये काम करते हैं तो देखिए बैक्टीरिया हैं बड़े सारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं सिंबायोटिक बैक्टीरिया हैं, जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी है कई जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकती है दालें प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होती है पल्सेस, और दालों में क्या होता है जो पल्स पल्स प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में रूट नूडल होते हैं उसमें राइजोम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है

एक दूसरे की कदर कीजिए क्योंकि लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट इज दिंग जिसको हम फील कर सकते हैं देख सकते हैं ठीक है ठीके? आप बोलोगे सर आज आपका मूड क्या है आज, आज आपने आते साथी जो है वो भाषण देना शुरू कर दिया नहीं बेटा मैं क्या चाहता हूं मैं चाहता हूं कि हम हम अच्छे डॉक्टर बने सफल बने हम पर हमें वी शुड बी ए गुड सिटीजन ऑल्सो एक अच्छा नागरिक बनना भी बहुत जरूरी चीज है चलिए तो अभी हम क्या देख रहे हैं बेटा हम देख रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल में कि हमने क्या देखा हमने देखा कि देखिए मॉलिकुलर नाइट्रोजन है वो देखिए आप बिजली चमक रही है ठीक है नाइट्रेट में, में कन्वर्ट हुआ वो के फिर नाइट्रेट सॉल्ट बने इस नाइट्रेट सॉल्ट को प्लांट यूज करेंगे कुछ बैक्टीरिया है वो भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं अधिक नाइट्रोजन कुछ बैक्टीरिया उल्टा भी काम कर रहे हैं कुछ बैक्टीरिया डी नाइट्रीफाइंग भी होते हैं जो फिक्स नाइट्रेट को जो है वो वापस से मॉलिक्यूल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं सब तरह के लोग होते हैं यार अच्छे और बुरे लोग के तो बैक्टीरिया भी दो तरह के एक बैक्टीरिया वो है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है दूसरे वो होते हैं जो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया जो नाइट्रेट को वापस से मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं प्रकृति में सब ये चक्र चलता रहता लगातार यही तो नाइट्रोजन साइकिल है ठीक है देखिए आप देख रहे हैं कि लाइटनिंग हुआ बिजली चमकी तो वो मॉलिक्यूर नाइट्रोजन था वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया जो जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वे अमोनियम आयन को जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं जो डिकम्पोज होते हैं वो अमोनिफिकेशन करते हैं अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं डिकेइंग मटेरियल को ठीक है तो आप हैं पूरा का पूरा एक चक्र बना हुआ पूरा कैसे नाइट्रोजन जो है वो हमारे अर्थ पर जो है वो रोटेट करता है इसको इस चीज इस चक्र को और डिटेल में कहां पढ़ते हैं बेटा हम इसको पढ़ते हैं हम कहां पर इकोलॉजी के अंदर ठीक है ना चलिए अभी जो एनसीआरटी में साइकिल वो आपके बड़े काम का बेटा वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर है नाइट्रोजन जो जो का एक प्रकार से रिजर्वायर होता है जो वायुमंडल है वो रिजर्वायर होता है इसमें वायुमंडल नाइट्रोजन पाई जाती है ठीक है इस अब ये ऐसा किसी काम की नहीं होती इसलिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो एटमोस्फरिक नाइट्रोजन को हम क्या करेंगे हम उसको जो है अमोनियम आयन में कन्वर्ट करेंगे अमोनिया अमोनिया में में कन्वर्ट कन्वर्ट करेंगे करेंगे हम हम के ठीक फिर इस को नाइट्रेट प्रोसेस को हम बोलेंगे नाइट्रीफिकेशन बोलेंगे हम और नाइट्रेट का प्लांट बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं ठीक है नाइट्रेट इज द यूजफुल फॉर्म जो बड़ा यूटिलाईजेबल फॉर्म होता है मतलब इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर्म टू एब्जॉर्ब बाय द प्लांट पौधे इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर पाते हैं ठीक है थेक?

एंड उसने पूछा आपसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस ये प्रोसेस का नाम क्या है ठीक है समझ सपोज हम क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं ये प्रोसेस ए हो गया ठीक है ये प्रोसेस जो है वो बी हो गया ठीक है ये प्रोसेस जो है वो सी हो गया कैसा है एग्जाम क्वेश्चन कर सकता है आपसे कि एबीसी क्या है यहां पर पचानी ठीक, है? ठीक? तो आप देख रहे हैं ए क्या है बेटा डी नाइट्रीफाइट डी नाइट्रीफिकेशन है अमोनिफिकेशन है सी क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन है. है? है तो ऐसे क्वेश्चन दिमाग में रखा करो आप जब भी कोई इमेज देखते हो क्या पूछ सकता है आपसे ठीक है ना चलिए आप देखते हैं कि एनसीआर में क्या लिखा है इसके बारे में बेटा के अपार्ट फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्रिविलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज बिल्कुल सही बात है देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो जब वन रेशियो टू रेशियो वन होगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा जब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और कार्बन का का अमाउंट ऑक्सीजन से काफी अधिक होगा तो फैट बनेगा जब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा साथ में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा तो प्रोटीन बनेगा मतलब बगैर नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बन सकता है और बगैर प्रोटीन के प्रोटोप्लाज्म नहीं बन सकता है और बगैर प्रोटोप्लाज्म के लाइफ नहीं हो सकती ठीक है नाइट्रोजन इज द ऑफ दमीनो एसिड प्रोटीन हार्मोन्स chlorophylls and many of the vitamins the plant compete with microbe for a limited nitrogen that is available in soil

ठीक है फिर इसका मतलब ये, नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम

नाइट्रोजन मिट्टी में अवेलेबल है वो सब ऑप्टिमल लेवल पर है वो ऑप्टिमम लेवल पर नहीं है लिमिटिंग है वो जैसे अब देखो बेटा कोई देखो मेरी बात बड़े ध्यान सुनना मैं बार बार ये बात इसलिए बोलता हूं ताकि तुम्हारा अटेंशन मेरी तरफ बना रहे है, है ना नहीं तो क्या करते हो कभी बुक को पलटते हो कभी एनसेट देखते हो कि यार ये सर जो बोल रहे हैं ये एनसेटी में लिखा है भी कि नहीं लिखा है कैसे लोगों लो आके के बैठे हुए ठीक है कभी इधर देखते हैं कभी देखते हैं कभी किचन में जो बर्तनों की आवाज है वो सुनते हैं कभी बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज है वो खिड़की से बाहर ध्यान जाता है सब समझता हूं मैं ठीक है तो ऐसे नहीं है ठीक है इसीलिए फोकस करो यार फोकस करो मुझे मालूम है चैप्टर पढ़ने में उतना मजा नहीं आता परंतु यार देखो मैं और आप तो साथ है ना मैं तो बात कर रहा हूं आपसे हाँ तो फोकस तो करना पड़ेगा आप कहा थे हम हम यहां थे कि बेटा कोई फैक्टर यदि लिमिटिंग फैक्टर है तो उसका मतलब यह होता है कि यह वो फैक्टर है जिसकी मात्रा बढ़ाने पर आपका प्रोडक्शन झट से बढ़ जाएगा लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर है जो पूरा का पूरा रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है यदि हम केमिस्ट्री की भाषा में बोले केमिस्ट्री की भाषा में हम यदि बोले तो हम बोलेंगे दिस इज द फैक्टर जिसका वैल्यू जिसका वैल्यू बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन सीधा बढ़ जाएगा के मतलब यदि फसलों का उत्पादन बढ़ाना है प्लांट की ग्रोथ बढ़ाना है तो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो फटाफट फसलों का उत्पादन बढ़ जाएगा इसलिए हम खेतों में यूरिया डालते हैं क्लियर चलिए तो एक ज्ञान की बात मिली हमको यहां पर हमने क्या कहा आपसे नाइट्रोजन इज लिमिटिंग न्यूट्रंट फॉर बोथ नेग्रीकल्चर इकोसिस्टम एग्रीकल्चर तो हम करते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम ठीक है नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन टू नाइट्रोजन नाइट्रोन एटम ज्वाइंट बाय ए वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोबल एंड बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोबे बॉन्ड बॉन्ड ठीक है पौधा बोलता है कि ये फेविकोल का जोड़ है इसको हम नहीं तोड़ पाएंगे देखा ना फेविकोल का आइट आता था पहले है ना मतलब अब तक जितने भी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आए ना उसमें फेविकोल का सबसे अच्छे लगे थे तो वो तो ये इतना स्ट्रांग स्ट्रॉन्े दोनों दोनों दो, नाइट्रोजन एटम इतने स्ट्रांगली जुड़े हुए कि इनके ट्रिपल को जो है है वो तोड़ना आसान नहीं है, इसलिए आपको इनको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि पौधा इसका यूज कर सके अब आप बोलोगे सर क्यों पॉसिबल नहीं है नाइट्रोजन के आइटम को तोड़ कर देखो बेटा सिंपल सी बात है प्रकृति में कितना ऊर्जा आप लगाओगे बदले में मिलेगा क्या बात धंधे की है वो कहता है तो हम तोड़ तो देंगे दोनों 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 नाइट्रोजन दो, नाइट, दो, नाइट, दो, एटम के बीच में हम तीन ट्रिपल कोबोनेट को तोड़ तो देंगे लेकिन बड़े पैमाने पर ऊर्जा खर्च होगी और उस ऊर्जा के खर्चे से जो मिलेगा ना उसकी उतनी वर्थ नहीं होगी इसलिए इसीलिए तरीके वो खुज जाते हैं जहां पर ऑप्टिम जहां पर आपका जो जो एनर्जी बजट है वो गड़बड़ाए ना वो ना गड़बड़ाए ये प्रकृति के नियम है प्रकृति कभी भी अनफेवरेबल चीजों को, को को, बढ़ावा नहीं देती है वो फेवरेबल थिंग्स को ही बढ़ावा देती है ठीक है अब एक बात तो कंफर्म हो गया कि भैया जो मोलिकुलर नाइट्रोजन है वो काम का नहीं है अब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन मोलिकुलर नाइट्रोजन टू अमोनिया इस टर्म डी नाइट्रोजन फ्रिक्शन और ये डेफिनेशन वेरी वेरी आई और इसको ही हमने देखा था इमेज के अंदर अभी है ना बेटा क्लियर क्या बोला मैंने आपसे कि जो मॉलिकुलर नाइट्रोजन है उसे अमोनिया में कन्वर्ट करना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन है अब कई किताबों में जो है थोड़ा डिवेरी थो करता हुआ लिखा हुआ है इससे तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो एनसीआर है ना वही गीता है वही कुरान है वही बाइबल है वही गुरु ग्रंथ साहब है वही सब कुछ है क्योंकि कारण यह है कि हमें एग्जाम निकालना है अब देखो कुछ लोगों को ऐसा लगता है सर कई बार जो है वो मैं बात करते हूँ आपसे कई बार मैं जो आपसे आपसे जो है वो अपने रिलीजियस इक्वलिटी की बात करता हूँ चीज़ों के बारे में बात करता हूँ क्योंकि कारण उसके पीछे ये है कि जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है मेरे पास कोई मरीज आता है ना सर जब बता रहा हूँ बोल के मेरे पास कोई पेशेंट आया है आधी रात को भी आया है कभी जब मैं इमरजेंसी में काम करता था तो आधी रात में भी मैंने पेशेंट अटेंड किए हुए मैंने इमरजेंसी मेडिसिन में काम किया हुआ है मैंने फेलोशिप इन इमरजेंसी मेडिसिन किया हुआ है मतलब मैंने इमरजेंसी मेडिसिन में फेलोशिप किया हुआ और फेलोशिप के दौरान आपको वहाँ पे कई सारे पेशेंट अटेंड करने पड़ते हैं आधी रात को भी अटेंड करने पड़ते हैं मैंने कैजी मेडिकल ऑफिसर के रूप में भी काम किया हुआ है तो जब आपके पास मरीज आता है ना तो आप उसका नाम पूछते हैं उम्र पूछते हैं लिखते हैं क्या घटना हुई वो सब नोट करते हैं आप उसमें लेकिन ट्रीटमेंट के पहले कभी 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 हम हाँ धर्म के आधार पर मरीज के इलाज पर भेदभाव नहीं करते हैं मुझे गर्व है इस बात का कि मैं डॉक्टर हूं डॉक्टर एक ऐसी कम्युनिटी है जो किसी से कोई भेदभाव नहीं करता उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस किस के हो, है इसको मैं, इसको मैं एमिकासीन लगाऊंगा इसको मैं मीरो पेनम लगाऊंगा इसको लगाऊंगा ये एंटीबायोटिक के नाम है कोई भी दवा लगाऊंगा तो उसका असर ये होगा कोई दवा ऐसी नहीं है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बोलता हो कि तुम तो हिंदू को लगाओगे तो तीन घंटे में काम करूंगी मुस्लिम को लगाओगे तो पांच घंटे में काम करूंगी क्रिश्चियन को लगाओगे तो आठ घंटे में काम करूंगी सिख को लगाओगे तो पंद्रह मिनट में काम करूंगी ऐसा ऐसा नहीं है ठीक है अरे हर दवा का बॉडी का सब कुछ प्रकृति जब गेहूं का दाना उगाती है उस पर नहीं लिखा होता किसके लिए हुआ है वो हमें एक ऐसे देश का निर्माण करना है एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जहां पर मानवता यहां पर ह्यूमिनिटी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए पहली मानवता चाहिए, पहली प्रायोरिटी हमें जान बचाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए क्लियर चलिए तो अभी मैं आपको क्या बतला रहा था मैं आपसे इतनी बात किया ताकि आप थोड़ा सा घूम जाए इसमें आपको अब पूछना आपसे मिलता है बताइए मुझे

उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे जिसमें कि कि प्रोटीन का डिके होता है 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 और और अमोनिया बनता क्या बोलेंगे सोचिएगा बताइएगा ठीक चलिए तो हमें पता वायुमंडल में बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन होती है और इस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करने के लिए जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है फिक्स नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और फिक्स नाइट्रोजन बेसिकली नाइट्रेट के फॉर्म में फेवरेबल होती है बेटर प्रकार से सेब्सॉर्व कर पाते हैं ठीक है

इन नेचर लाइटनिंग एंड अल्ट्रा वाइलेट ट्रेडिशन प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ठीक है और ये क्या होते हैं ये हमने कहा नाइट्रेट होते हैं नाइट्राइड होते हैं ठीक है नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं तो हमने आपसे कहा NO, NO2 और N2O इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्रकृति में जो लाइटनिंग होती है अल्ट्रा रेडिएशन होते हैं वो उनकी एनर्जी का इसका इस्तेमाल करते हैं और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है

नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं उनको शॉर्ट में हम नॉक्स बोलते हैं जितने भी फॉर्म चाहे वो एनओ हो एन टू ओ होन ओ टू हो एन ओ थ्री के नाइट्रोजन के जितने भी फॉर्म ऑफ होते हैं उनका जो जो नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड के फॉर्म होते हैं एनओ हुआ एन टू ओ हुआ एनओ टू हुआ एन ओ थ्री हुआ सबको शॉर्ट में हम नॉक्स बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कहते हैं दे आर जब इनकी मात्रा वायुमंडल में एटमोस्फेयर में अधिक होती है दे आर ए Polyten, ये लेकिन याद रखना, कोई चीज़ अच्छी और बुरी हो सकती है कहां पर प्रेजेंट इसके आधार पर ठीक है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिनको हम अच्छा बोल रहे हैं पौधे सॉइल के तो अंदर है तो अच्छे प्लांट के, के ग्रोथ में रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन यदि वायुमंडल बड़ी मात्रा में होंगे ना तो प्रॉब्लम है ठीक है फिर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इसका मतलब है प्रोटीन के प्रोटीन ठीक है एंड दी बायोमोलिक्यूल्स हैविंग नाइट्रोजन बायोमोलिक्यूल्स के तो जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है बेसिकली वो किस में वो आपके न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट है प्रोटीन में ट्रैप्ड है तो जो भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन उसका जब डिकम्पोजन डिकम्पोजिशन होता है उसका अपघटन होता है और ये अपघटन कौन करते हैं बैक्टीरिया करते हैं फंजाई करते हैं और इस अपघटन से क्या होता है अमोनिया निकलती है और इसीलिए सड़ती हुई चीजों में गन आती है आप देखना जो चीज सड़ रही होती है ना उसमें एक विशेष तरह की गन आती है तो चीज डिके हो रही होती है सड़ रही होती है उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है ड्यू टू अमोनिया ठीक है तो उसे हम अमोनिफिकेशन कहते हैं ठीक है मतलब जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है बेटा प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट है जब वो सड़ता है वो मटेरियल उसका डिके होता है तो उससे अमोनिया निकलता है प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं ठीक है देखिए प्लांट्स हो एनिमल हो उनका डिकम्पोजिशन होगा अपघटन होगा और ये अपघटन कौन करेंगे बेटा ये अपघटन करते हैं कौन सॉइल बैक्टेरिया करेंगे जिनको जिनको हम 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 क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे जिनको हम बोलेंगे जिनको हम बोलेंगे इनको इनको ठीक सॉइल बैक्टेरिया करते हैं फंजाई करता है और इससे क्या बनेगा अमोनिया बनेगा जो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है फिर इस अब देखो क्या हुआ बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ ये भी बैक्टेरिया करते हैं ठीक है याद रखिएगा इसे करने वाले बैक्टीरिया जो सिंबायोटिकली करेंगे वो राइजोबियम बैक्टीरिया है और जो फ्री लिविंग है वो एजोटोबैक्टर है एजोटोबैक्टर जो होता है इट इज ए लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो मिट्टी में मिलता है और फ्री लिविंग होता है और ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है इसने को उसने अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया ठीक है फिर इस अमोनिया का अमोनिया का इस्तेमाल किसने किया नाइट्रीफाइंग के इस अमोनिया का इस्तेमाल किया किसने नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने इसका इस्तेमाल किया

ये नाम सब जरूरी है आगे में में भी क्या हुआ। अभी समझ लो के मैंने क्या कहा बेटा कि जो मॉलिक जो बैक्टीरिया नाइट मोलिकुलर नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है के फिर जो नाइट जो अमोनिया है उसको नाइट्राइड में कन्वर्ट किया नाइट्रोसोमनास ने फिर जो नाइट्राइड है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया नाइट्रोबैक्टर ने तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर दोनों को हम मिलाकर बोलते हैं नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम नाइट्रीफिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को हम नाइट्रीफिकेशन कहते हैं और ये एग्जामिनर की फेवरेट प्रोसेस है फेवरेट क्वेश्चन है बेटा के कुछ नहीं करेगा आपको के आपको एग्जाम में क्या करेगा वो अमोनियम आयन लिखेगा नाइट्राइड लिखेगा नाइट्राइड लिखेगा एरो लगा देगा एरो लगा देगा यहां ए कर देगा यहां बी कर देगा बोलेगा बताओ ए का नाम क्या बी का नाम क्या आप बोलोगे से आप बोलोगे ए का नाम नाइट्रोसोमनास बी का नाम नाइट्रोबैक्टर, ठीक है चलिए क्लियर ये के तो हमने क्या-क्या नाइट्रोसोमोनास ने अमोनिया, आयन को, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया नाइट्रोबैक्टर ने याद रखना क्लियर सम ऑफ दिस अमोनिया वोलेटाइलाइस एंड री इंटर दी एटमोसफेयर कुछ अमोनिया बायोमंडल में पहुंच चला जाता है इन फॉलोइंग स्टेप और इन सॉइल को बेटा क्या बोलते हैं इनको हम बोलते yes. कभी कभी आप लोगों में बड़ा प्यार आता लगता है कि देखो मेहनत से बच्चे पढ़ रहे हैं इतने दूर मैं, मैं कि आप लोगों की सबसे अच्छी बात क्या है पता आपको यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ इंडिया वाई क्योंकि आपके पास देखो किसी को माता पिता ने धक्का मार के कोचिंग में एडमिशन आ दिया कि भैया हमारे बच्चे को डॉक्टर बना के निकालना अब कोचिंग वाले ने बोला कि हाँ भैया पहले तुम्हें तो हमको मोटा बंडल ले जाओ फिर हम सोचेंगे इस बार कि तुम्हारा बच्चा किस लायक है जब तक एडमिशन ना हो ना जब तक बच्चे बच्चे से बड़ी मोटी फीस ना ली जाए ना तब तक बोलते हैं बेटा हम तुम्हारी बड़ी हेल्प करेंगे आ जाओ हमारे यहाँ का ये रिजल्ट वो रिजल्ट जैसे ही अंदर दिया फीस दे के फीस दे के अंदर पहुंचे जनाब आपका बच्चा तो जो है वो पढ़ता नहीं है मेहनत नहीं करता कम इंटेलिजेंट है, है। कोशिश कर रहे हैं पता नहीं क्या होगा उसका आपको रियलाइज करा देंगे क्योंकि तो उनको मालूम है तुम नहीं करते हो तुमसे नहीं बनता है क्यों नहीं करते हो जाओ मेहनत करो पढ़ो दफर हो क्या तो आपका अपना भरोसा थोड़ा होता ना वो भी हिल जाता अंदर से लेकिन कुछ शेर ऐसे होते हैं टाइगर्स कमांडोस घर बैठे हैं किताब सामने खुली हुई है देख रहे हैं मेरे को किसी को भी चलो ठीक है मैं कोई महान आदमी नहीं हूं ठीक है किसी को भी देख रहे हैं लेकिन उनका जज्बा इतना ऊपर है कि वो इंटरनेट में वाहियात चीजें देखने के बजाय बायोमेंटस देख रहे हैं एंड वॉट एवर चैनल जो भी आपको पसंद हो जज्बा इतना ऊपर है पेंसिल से पेन से नोट्स रहे हैं जज्बा इतना ऊपर है बुक पढ़ रहे हैं जज्बा इतना ऊपर है ट कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल टेस्ट ये होते हैं विजेता ये तो खून के अंदर लिखा हुआ है कि फोड़ के आएंगे अंदर से बात जो इबारत बेटा तुम्हारे खून में लिखी ना किसी के अंदर नहीं लिखी ये जो जो धीने में तुम्हारे लिखा है ना चल बढ़ता चल संघर्ष पथ पर जीत रीते है चल बढ़ता जीत चल रीते है क्योंकि अब झुकना नहीं है अब बढ़ना है बढ़ना है बढ़ना है और जीतना है चलिए तो अभी मैंने क्या बताया मैंने कहा कि मेरे कमांडो जो है वो मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं बड़ा सम्मान करता हूं आपका मैं क्योंकि आप सब लोग जो है वो बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं, आप बहुत ही जुझारू पर्सनालिटी आपकी को, आप वो वो कर रहे हैं बेटा और मैं आपको बताऊं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सफल हो बड़े डॉक्टर बने आप बड़े भारी नाम आपका आपके हाथ हाथ में ऐसा शिफा हो ऐसा आपके हाथ में सफा हो ऐसा आपका आपका ईश्वर का आशीर्वाद हो कि आप जिसको टच कर दे जिसको ठीक कर दे वो आदमी ठीक हो जाए मरते आदमी में जान फूक सके आप इतने आपको, आपको आपका इतना हुनर होना चाहिए इतना आपके अंदर जो है वो ईश्वर का आशीर्वाद होना चाहिए ऐसे आदमी बने आप जो लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सके ऐसे आदमी बने आप देखो तो छोटा मिशन नहीं है ये शुरुआत है बीज बो दिया है याद रखना जो बट वृक्ष होता है ना पीपल का बड़ा पेड़ होता है वर्गत का बड़ा पेड़ होता है वो भी एक दिन बीज होता है Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye-bye. Continue your lecture. <laughs> तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया वो बैक्ट्रिया होते हैं हैं जो अमोनियम आयन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते और आग देखो अब इसमें दिखाई दे रहा पहला स्टेप अमोनिया है तीन ऑक्सीजन उसमें हाइड्रोजन आयन वॉटर को, को जो वैक्टरिया करता वो है उसके थ्रू ये कैटराइज होती है रिएक्शन ठीक है और स्टेप टू में क्या है नाइट्राइट का नाइट्राइट में परिवर्तन है और ये कौन करता है ये स्टेप करता है नाइट्रो नाइट्रो वेक्टर क्या है एनसीआरटी का इमेज बेटा ये ठीक है क्लियर याद रखना है ना ठीक तो टू स्टेप है मतलब नाइट्रीफिकेशन मेरी बात के इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो नाइट्रिफिकेशन है वो टू स्टेप रिएक्शन है वो दो पदों वाली अभिक्रिया है ठीक है पहले अमोनियम का नाइट्राइड में परिवर्तन फिर नाइट्राइट का नाइट्रेट में परिवर्तन ठीक है क्लियर अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस वेरी वेरी आई एम पी एंड द नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीज टू नाइट्रेट विद हेल्प ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर वेरी वेरी आई एम पी कार्ड नाइट्रीफिकेशन और ऐसे बैक्टीरिया इस केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का ये बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं इस एनर्जी निकलती है रेडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पे चूंकि आप रिडक्शन यहाँ पे आप जो है रिडक्शन ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं इससे एनर्जी निकलती है इस एनर्जी का इस्तेमाल वो अपने फूड को बनाने में करते हैं इसलिए इनको कीमो कहते हैं और इस प्रोसेस को हम जो है वो साथ में कीमो सिंथेटिक प्रोसेस भी कहते हैं मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल ये क्यों करते हैं इनको क्या पढ़ा है इसका क्या जरूरत है कि अमोनियम आयन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है क्योंकि उससे ऊर्जा मिलेगी मिलेगी एनर्जी एनर्जी और उस एनर्जी से वो फूड को बना पाएंगे प्रोसेस को बोलेंगे कीमोसिंथेसिस ऐसे बैक्टीरिया को बोलेंगे हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलेंगे इनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है ये अंधेरे में भी जीवन आगे बढ़ा सकते हैं ठीक है ना क्लियर दिन द नाइट्रेट फॉर्म इज एबजॉर्ब बाय प्लांट एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू दी लीव ठीक है चलिए नाइट्रेट जो बनेगा उसे पौधा एबजॉर्ब करेगा फिर वो लीव तक पहुंच जाएगा पत्तू इन लीव इट इज रिड्यूस टू फॉर्म अमोनिया अब पत्तियों में क्या होगा पत्तियों में वापस से अब जो नाइट्रेट है आपको के नाइट्रेट का जो एसिम्यन है इसको बोलना चाहिए कहते हमको एसिम्यूलेशन ऑफ नाइट्रोजन स्वांगीकरण व्हाट इज मतलब होता है कि टू इनकारोटोप्लास्ट जो नाइट्रेट वहां पहुंचा ना उसको प्रोटोप्लास्ट के अंदर जाकर यूज करना है उसको ठके? तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम ठीक है तो एसिमिलेशन के लिए क्या होता है वापस से नाइट्रेट अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा अब आप बोलोगे इतना उठापटक किया फिर? क्यों फिर क्योंकि बेटा अमोनिया हायर लेवल में टॉक्सिक होता है यदि हम सीधा अमोनिया डालते हैं ना प्लांट के अंदर तो पौधे की सेल्स मर गई होती है इसलिए अमोनियम आयन जो है वो एक लेवल के ऊपर जो वो टॉक्सिक रहता है इसलिए अमोनिया को डायरेक्ट लेने का रिस्क नहीं उठाएगा बजाय उसके नाइट्रेट को अंदर लेके जितना रिक्वायरमेंट होगा उसे अमोनियम आयन में कन्वर्ट करेंगे और अमोनियम आयन से कुछ झट से जो है वो एमिनो ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे और उसको जोड़ लेंगे प्रोटीन बनाने के लिए उसमें क्योंकि प्रोटीन में क्या होता है एमिनो समूह होता है और एमिनो समूह के लिए तो सब सारा खेल चल रहा है ये सारा खेल उसी है कि एमिनो ग्रुप मिल सके और प्रोटीन बन सके ठीक है देखो क्या लिखा इसमें इन लिव इट इज रिड्यूस टू फॉर्म अमोनिया पत्तियों में यह अमोनिया में कन्वर्ट होता है एंड फाइनली फॉर्म द एमीन ग्रुप ऑफ द एसिड के मतलब सारा खेल इस बात का है कि जो जो दाइड नाइट, वो नाइट्राइड में कन्वर्ट होगा ठीक है फिर वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा बेटा वो अ, अ, जो है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा वो ठीक है अमोनियम अमोनियम आयन में वो कन्वर्ट होगा ठीक है

ये कोई तरीका पढ़ाने का अरे बोर्ड लगाओ पीछे काला वाला बोर्ड लगाओ चौक से पढ़ाओ हाथ से नोट्स बनाओ अपलोड कर दो टेस्ट में क्या देना वो तो हम अपना ऑब्जेक्टिव बुक से दे लेंगे ढंग से काम करो आप बताओ ठीक है जी प्रभु जाइए यहां से आप विचरण करते हैं यहां पर आ गए थे हमारे भाग्य धन हुए आपकी आवश्यकता यहां पर बिल्कुल भी नहीं है वहां लोग आपका इंतजार है वहां जाइए ठीक है ऐसे भी लोग होते हैं सु, सु, सु। मतलब एक बार WhatsApp करेंगे सर ये इशू है दो बार व्हाट्सअप करेंगे जवाब क्यों नहीं देता मैं मतलब है सच्चाई बता रहा हूं मैं कुछ म्यूटेंट प्रजातियां हैं ये वायरस है बैक्टीरिया है कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं घूम कही रहे हो तो लेकिन प्रकृति में क्या है प्रकृति में हमेशा एक चीज है बर जो ग्रेटनेस है जो गुड थिंग्स है पॉजिटिव एनर्जी है वो इतने बड़े कद की होती है इतने बड़े कद की होती है कि ये नेगेटिविटी क्रिटिसिज बुरी भावना कहीं स्टैंड नहीं करती आप देखना कोई भी पॉपुलर कोई पॉपुलर वीडियो देखना आप। लाइक करने वाले लोग बड़ी संख्या में होंगे दस पांच लोग इस ने बड़ा अच्छा कहा किसी ने सर ये वो तो वो ये तो वो लोग हैं कौन लोग हैं ये? ये वो लोग हैं छोटा बच्चा होता है ना सुंदर सा बच्चा होता है तो माँ क्या करती है काला टीका लगा दिया ऐसे ताकि नजर ना लग जाए सर ये वो लोग है नजर ना लगे इसलिए ये काले टीके हैं तो मतलब आप लोग भी लॉजिक लेके आते हैं जबरदस्त टाइप का लॉजिक लेके आते हैं मैं भी सोचता हूँ क्या इतने क्रिएटिव बच्चे कहाँ से मिले मेरे को ना चलो तो अभी मैं आपसे क्या बोल रहा था मैं आपसे कहा था बेटा कि नाइट्रेट Present in the soil is also reduced to ट इन दिसल इज ऑल्सो रिड्यूस टू टू नाइट्रोजन बाईस से क्या करते हैं मॉलिकोजन में थियोबेसिस काम करता है लेकिन क्या सच्ची में यह बदमाश है सच्ची में नहीं ये रिसाइकलिंग में रोल प्ले कर रहे बेसिकली क्या कर रहे हैं ये बेसिकली रिसाइकलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं ठीक है ठीक चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं ठीक है कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है मतलब जब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं मतलब उसमें कि कैसे बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं कैसे नाइट्रोजन फिक्स हो पाता है वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एटम ठीक है

जो एन टू है इसको आपने अमोनिया में कन्वर्ट किया तो बेसिकली क्या हुआ बेटा ये जो है इसका रिडक्शन हुआ इसका क्या हुआ रिडक्शन हुआ है ठीक हाइड्रोजन इसका रिडक्शन तो मैंने क्या कहा आपसे कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन का रिडक्शन अमोनिया के रूप में जो होता है उसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं ठीक है देखिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में बेटा जो एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंटली इन्वॉल्व है वो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज वो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये एंजाइम बड़े पैमाने पर एनर्जी खर्च करता है ये क्या करता है आपके 16 एटीपी खर्च होंगे 16 एडीपी में कन्वर्ट होंगे तब जाकर जो है एक मॉलिकुलर नाइट्रोजन को जो है वो दो अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा देखिए आपके मतलब ये है कि बायोलॉजिकल ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक महंगी प्रक्रिया है इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस बड़े पैमाने पर ऊर्जा खर्च होती है इसमें मतलब फ्री में काम नहीं है महंगा काम है आप देख रहे हो ना कि एक, एक, एक नाइट्रोजन एटम को

तो नाइट्रोजनेस काम नहीं कर पाएगा आयरन नहीं होगा तो भी नाइट्रोजनेस काम नहीं कर पाएगा क्योंकि आयरन मॉलिबडनम को फैक्टर के रूप में, में जुड़े होते हैं देखो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है आपको नीचे एंजाइम का तो आप देख रहे हैं इसमें कि कैसे आए देखो आप देख रहे हैं इसमें कि आयरन है ये आयरन है ये आयरन है ये आयरन है आयरन है आयरन है आयरन है आयरन है, है और ये मोलिबडेनम है ठीक है देख रहे हैं आप मेन कैटेटी ग्रुप पर जुड़ा हुआ है ठीक है, तो ये मौल, आयरन मोलिबेनम को फैक्टर के बगैर तो ये नहीं कि एंजाइम काम कर सके ठीक है ना देजाइम नाइट्रोजन एस विच इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोक्रोट वेरी वेरी मतलब ये नेवर प्रेजेंट इन यू नेवर प्रेजेंट इन यू कैरियोट मतलब निकाल लीजिए इसका आप समझ गए ना आपके एक्सक्लूसिवली लिखा है साफ साफ ठीक है ना गलती मत करना मैं गलती करवाऊंगा टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा डीपी में क्वेश्चन दूंगा और गलती करवाऊंगा आपसे समझ लेना जब मैं क्वेश्चन देता डीपी में टेस्ट में आपको तो बिल्कुल दुश्मन के समान क्वेश्चन देता हूं कैसा दुश्मन के समान किसी ने बोला सर कई बार आप डीपीपी में क्वेश्चन देते हैं और जो आपने पढ़ाया नहीं होता और वैसे भी दो क्वेश्चन डीपीपी में आते हैं कई बार कि आपने जिक्र नहीं किया उसका पर दो क्वेश्चन डीपी में हमको ऐसे दिखे? ऐसा क्यों करते हो भैया जब पढ़ा रहा हो ना तुम्हारा कमांडर तुम्हारा दोस्त एज ए गार्जियन पढ़ा रहा हूं एज ए टीचर पढ़ा रहा हूं एज ए मेंटर पढ़ा रहा हूं गुरु के समान पढ़ा रहा हूं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि सब कुछ तुम्हें ईमानदारी से बता करो लेकिन जब मैं आपका इम्तिहान लूंगा ना इम्तिहान लेता हूं आपका मैं मैं रोज डीपीपी के 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 थ्रू थ्रू वीक में टेस्ट तो बिल्कुल शत्रु के समान व्यवहार करता हूं कैसा शत्रु, क्योंकि मुझे यदि आज मैंने आपको शत्रु के समान व्यवहार करके आपको आपकी गलती को मैंने पकड़ा नहीं सुधारा नहीं तो कोई दूसरा सच्ची का शत्रु सच्ची का शत्रु क्या करेगा वो आपको हरा दे हराने की कोशिश करेगा आपको फंसा देगा वो तो बेहतर यह है कि हम लोग ही कुश्ती कर लें आपस में है ना ताकि दूसरा ना हरा पाए हमको हम आपस में ही जो है वो कॉम्पिट कर लें आपस में कि मैं सिखाया मैं टेस्ट किया जब मैं टेस्ट किया तो डॉक्टर की तरह अलग बन गया अलग डॉक्टर की तरह बन गया वो एग्जामिनर बन गया है तुमने क्या पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं मुझे क्या पूछना है तुमसे वो मुझसे मतलब जब पढ़ाया मेरे बच्चों को सब पढ़ाना है ताकि कोई गलती ना करे वैसा बन गया ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यदि मैं वही कर, जो पढ़ा रहा हूँ वही 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 पूछूंगा आपसे कि बेटा तू तो, तो बस इतना याद रख सेल में सेल थोड़ी किसने दी और बस उसके बाद तू तो भूल जा तो कान थोड़ी ना बनेगा हाँ ठीक है इसलिए ये उन सब लोगों के लिए बोल रहा है जो मेरे को बार 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 बोलते हैं सर डी में दो क्वेश्चन ऐसा है अरे भाई सोचो तो सही की दो क्वेश्चन का नीचे एक्सप्रेशन भी दे रखा है मैंने कवर किया उस रेंज को और भी कवर किया है क्यों? अब तुमको ऐसा क्यों लगता है क्योंकि परफॉर्मेंस इनहांसमेंट सीट तो जो है वो नहीं पढ़ने के लिए डालते हैं गीतन सर कि नहीं पढ़ना उसको इसलिए डालते हैं है ना यही है सरे। सामने होता है ना उठक बिठक लगवा देता अभी वे। है चलो

नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब कुड बी फ्री लिविंग और फ्री लिविंग हो सकते हैं और symbiotic हो सकते हैं। फ्री तो लिविंग नाम बिल्कुल नहीं भूलना तो ये aerobic होते हैं कि ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या बेटा वो है एजटोबेक्टर और विजेरिंकिया क्या? स्पाइल जो है वो, वो एनारोबिक होता है और फ्री लिविंग होता है इसके अलावा एक और याद रखना बेटा जो एग्जाम में पूछा गया क्लॉस्ट्रीडियम क्लॉस्ट्रीडियम के क्लौस्ट्रीडियम भी फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है है ठीक बड़े सारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिनको हम कॉमनली बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं एनाबीना हुआ नॉस्टॉक हुआ ये भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्स होते हैं इनके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जैसे बोलते हैं हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं जिसकी हेल्प से ये नाइट्रोजन को फिक्स कर पाते हैं क्लियर ठीक है अब क्या देख रहे हैं हम अब हम देख रहे हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्शन तो क्या देख रहे हैं आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये है रूट नोड्यूल दिस इज रूट नोड्यूल के ठीक है ये हमें जनरली लेग्यूम जनरली हमको बेस्ट एग्जाम्पल इसके होते हैं लेग्यूम्स के फैमिली लेग्यूमिनेसी के जो मेंबर होते हैं उनमें हमको ये देखने मिलता है दालों के अंदर देखने मिलता है और रूट नोड्यूल निकाई दिखाई देने के आप देखो क्या होता है राइजोवर्ड राइजो वर्ड का मतलब होता है रूट राइजो वर्ड का मतलब होता है रूट के और बीएम वर्ड का मतलब होता है सोलोन फूला हुआ मोती के समान फूला हुआ के सोलोन पर लाइक मोती के समान के तो राइजोबियम ना ऐसे बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल के अंदर पाए जाते हैं उन्हें राइजोबियम बोलते हैं मतलब राइजो है, मतलब रूट राइजो फूला हुआ बीएम तो बैक्टीरिया का नाम क्या है लेकिन असली नाम क्या है उसका असली नाम उसका होता है बेसिलस रेडिसिकोला असली नाम इसका होता है इस असली नाम इसका होता है बेटा असली नाम इसका होता है बेसिलस रेडिसिकोला बेसिलस बेसिलस रेडिसिकोला ठीक है इसका असली नाम होता है ठीक है मतलब ये कैसा होता है स्फेरिक होता है रॉड शेप होता है ये रॉड शेप होता है अभी तो बेसिलस नाम में लगा समझ है समझ गए ठीक है चलिए सेवरल टाइप ऑफ सिम्बैटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग नॉन ठीक है द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग रिलेशनशिप ठीक है स्पीस ऑफ दॉडोबियम नाम क्या है इसका बेसिलस रेडिसिकोला ठीक है उसका संबंध जो है वो लेग्यूमरस प्लांट की रूट से होता है जैसे अल्फा अल्फा स्वीट क्लोवर स्वीट पी लैंडिल गार्डन पी बीन के क्लोवरबीन एंड एक्स्ट्रा के द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट इज द इज एज द रूट नोड्यूल नोड्यूल के फॉर्म में होता है और ये नोड्यूल क्या होते हैं ये रूट में बड़ी से ये रूट है इसमें ये आपको ऐसी अतिवृद्धि के रूप में दिखाई पड़ेंगे ये होते हैं रूट नोड्यूल्स ठीक है ना फिर जो माइक्रोब है फ्रैंकिया फ्रैंकिया सोइल बैक्टीरिया का का एक जीनस होता है एक तरह के सोइल बैक्टीरिया होते हैं ठीक है ऑसो प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल ऑन द रूट ऑफ दी नॉन लिग प्लांट और ये समझ लीजिए ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन वेरी वेरी याद रखिएगा बेटा ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन दिमाग में डाल लीजिए अच्छे सर इसको बोल्ड पॉइंट में कॉपी में नोट कर लेना बोल्ड पॉइंट में कॉपी में नोट कर लीजिए इस बात को बेटा दिच इज विच दि बैक्टेरिया विच प्रोड्यूस रूट नोड्यूल इन इन वो जो plant में root nodule को produce करता है 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 उसका 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 नाम क्या? उसका नाम क्या ठीक ना Clear? Rhizobium और Frankia दोनों फ्री लिविंग होते हैं में याद रखिएगा राइजोबियम और फ्रेंकिया दोनों सोइल में फ्री लिविंग होते हैं लेकिन जब जो है इनको लिविंग रूट मिलती से जब राइजोबियम को मिकल है, है है, निकलते हैं को, पहचान कर को अट्रेक्ट होकर पहुंचता है ठीक है ना और फ्रेंकिया नॉन लेगुस प्लांट खाते ही काम करता है ठीक तो है तो सिम्बोटिक हमने एक रूट नूडल को काट कर देखा हमने हमने एक रूट नोडल को लिया और हमने इसका क्रॉस सेक्शन देखा हमने तो हमें अंदर दिखाई पड़ा हमें अंदर जो है वो रेडिश देखो आप रेड रेड हिस्सा दिखाई ये होता है लेग हीमोग्लोबिन मतलब लेग्यूमिनस फैमिली के लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोडल में

प्रोसेस में बाधा उत्पन्न करता है एक इनहिबिटर के समान काम करता है ठीक है अपरूट एनी वन प्लांट ऑफ ए कॉमन पल्स जस्ट बिफोर फ्लॉवरिंग की फ्लावरिंग के पहले आप कोई भी दाल का पौधा निकाल लीजिए यू विल सी नियर स्पेरिकल आउट गो रूट रूट में आपको नोड्यूल्स दिखाई पड़ेंगे ठीक है कट कीजिए उनको आप आप देखोगे सेंट्रल पोर्शन में आपको रेड और पिंक दिखाई पड़ेगा ये रेड और पिंक क्या मतलब क्या है ये बेसिकली लेग हीमोग्लोबिन ठीक है लेग्युमिनस हीमोग्लोबिन के कारण रेड और पिंक आपको दिखाई पड़ता है और इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फ्रिक्शन की प्रोसेस में ऑक्सीजन को इंटरफेयर करने से रोकता है ये ऑक्सीजन को रोकता है ताकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसको काम करने से अफेक्ट ना कर दे इसको रोक ना दे काम करने से ठीक है अब क्वेश्चन जो उठता है कि नोड्यूल बनते कैसे हाउ दूट फॉर्म देखो नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व ए सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंट्रैक्शन बिटवीन राइजुबियम एंड द रूट ऑफ दी याद रखिए राइजुबियम जो होता है राइजुबियम होता है इट इज फ्री लिविंग इन सॉइल फ्री लिविंग इन सॉइल ठीक है लेकिन जब ये यह रूट के संपर्क में आएगा तब ये रूट नोडल ये. ये को ये ये रूट, को रूट को कैसे ये? रूट में कुछ केमिकल निकलते हैं उस अट्रैक्ट करके ये वहां तक पहुंच जाता है ठीक है ना देखिए राइजोबिया मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज सराउंडिंग ऑफ रूट एंड गेट अटैच टू द एपिडर्मल एंड रूट सेल देखो सबसे पहले क्या हुआ राइजुब ने जो leguminous plant थी उसके रूट के पास पहुंचा अपने आप को मल्टीप्लाई किया बड़ी कॉलोनी को तैयार किया उसने और रूट केमिकल रिलीज केमिकल रिलीज किए जिससे कि रूट हेयर जो है वो थोड़ा सा झुक गया नॉर्मली रूट हेयर ऐसा था रूट हेयर अब जैसे ये हेयर ऐसा था नॉर्मली अब इस रूट हेयर के संपर्क में क्या आया इस रूट हेयर के संपर्क में ये

देखो इमेज के का इमेज है कोई अलग इमेज नहीं है, देखो में है, रूट पड़ रहा है आपको इकट्ठा रूट, रूट हुआ देखो रूट मुड़ने लगा हुक बना इसमें ये, है इसमें मुड़ रहा है, कर्ल हो रहा है इसमें ठीक है एक इंफेक्शन थ्रेड बनेगा मतलब अब क्या हुआ बेटा जैसी जैसी जो ना ये, ये हेयर जो कर्ल हुआ है वैसे ऐसे तो कर लुआ ठीक है बैक्टेरिया यहां प्रेजेंट है यहां पे अब इसमें से कुछ बैक्टेरिया कहंगे इस बैक्टेरिया इसके अंदर पहुंचना शुरू करेंगे ये अंदर पहुंचेंगे ठीक है और अंदर पहुंचते हुए कहां तक पहुंचेंगे ये ये इस रूट से कॉर्टेक्स वाले हिस्से तक पहुंच जाएंगे ठीक है इसे बोलेंगे हम इन्फेक्शन थ्रेड बोलेंगे ठीक है जो अंदर की ओर जा रहा है ना से बैक्टेरिया इनफेक्शन थ्रेड बोलेंगे एंड इनफेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस कैरियंग दैक्टेरिया इन टू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट वेयर दे इनिशिएट द नोड्यूल फॉर्मेशन इन द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट ठीक है

जो राइजो राइडर था उसने इन्फेक्शन थ्रेड को तैयार किया ये कॉर्टेक्स तक पहुंच गए और कॉर्टेक्स में जाकर उसने क्या किया। सेल्स को उसने जो है वहां जिसने नोड्यूल्स को बनाने में रोल प्ले किया उसने वैक्टर अंदर जो है सेल्स में इकट्ठे होने लगे यहाँ पे और सेल्स को उसने क्या किया सेल्स को उसने स्पेशल सेल्स का उसने डिफ्रेंशियन पैटर्न चेंज कर दिया इसलिए बड़ी मात्रा में रूट नोड आपको दिखाई दे लेंगे रूट में इसमें ठीक है देखिए आप है ना क्या हो रहा है ये इनफेक्शन थ्रेड डेवलप हो रहा है के और ये अंदर कॉर्टेक्स तक पहुंच गया है और कॉर्टेक्स में अंदर आपको बड़े बड़े नोड्यूल दिखाई पड़ेंगे और नोड्यूल का साइज इतना बढ़ जाएगा ये नोड्यूल का साइज इतना बढ़ जाएगा कि ये उभर कर बाहर क्यों रह जाएगा तो हम इसे बोलेंगे रूट नोड्यूल बोलेंगे इसे हम ठीक है क्लियर द नोड्यूल ऑल नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट एज द एंजाइम नाइट्रोजन एंड द लेग हीमोग्लोबिन ठीक है ना नोड्यूल के अंदर क्या होता है बेटा याद रखिएगा जब राइजोबियम मेरी बात सुनिए ध्यान से जब राइजोबियम बैक्टीरिया जब राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल के अंदर होता है तब वो जाता है इमोबाइल इमोबाइल वो 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 मोटाइल है तब वो है है तब जाता मूव नहीं कर सकता है। और उसे हम बोलते हैं बैक्ट्रॉइड बोलते हैं बैक्ट्रॉइड उसके लिए हम बैक्ट्रॉइड वर्ड यूज करते हैं ठीक है ऐसा राइजोम बैक्टेरिया रूट नोड्यूल के अंदर होता है वो मोबिलिटी शो नहीं कर सकता उसे हम बैक्ट्रॉइड कहते हैं ठीक रूट नोडल में क्या होता है एंजाइम नाइट्रोजन और लेग हीमोग्लोबिन होता है इट्रोजन जो होता है वो मोलिवेनम आयरन प्रोटीन होता है जो कि कन्वर्जन करता है एटमोस्फियर नाइट्रोजन का अमोनिया में और जो नाइट्रो फ्रिक्शन का एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है देखिए आप ये रिएक्शन ध्यान नाइट्रोजन है ठीक है एटीपी खर्च किया यहाँ पे और इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर लिया रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन दिमाग में रखिएगा है ना ठीक है केमिस्ट्री में पूछा था रिएक्शन याद रखिएगा देखिए ना क्या हुआ एंजाइम नाइट्रोजन दिस इज इंपॉर्टेंट इमेज बेटा के तो देखिए आप कि यह एन आई दिखाई पड़ रहा है फिर इसमें जुड़ा नाइट्रो मोलिको नाइट्रोन जुड़ा है इसमें ठीक है इसका रिडक्शन हुआ यहाँ पे देखिए आप एन एन एच टू एन एन एच एन एच बना है यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं इसमें कि फिर एन एच टू बना देन एन एच थ्री बना और यहाँ इस पूरी प्रोसेस में जो है आप देखेंगे यहाँ पर हमें एनर्जी को हमें खर्च करना पड़ता है फाइनली अमोनिया बन गया उसको रिलीज कर दिया और एनजे फ्री हो गया ठीक है दिस इज दी दिस इज दी, दी ये शो क्या शो -शु करता है ये शो -शु करता है कैसे एटमोस्फिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है नाइट्रोजनज ठीक है एनजाइम नाइट्रोजनज इज हाईली सेंसिटिव टू दी मोलिकुलर ऑक्सीजन इट रिक्वायर एनोरोबिक कंडीशन के यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो नाइट्रोजन एंजाइम काम नहीं कर पाएगा तो इसलिए नोड्यूल के अंदर एडोप्टेशन होते हैं ताकि एंजाइम को ऑक्सीजन uh, से बचा सके हम और ये एडोप्टेशन में क्या होता है रूट नोड्यूल uh, के अंदर लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को अपने से जोड़ लेगा उसे फ्री अवस्था में प्रेजेंट नहीं रहने देगा इसलिए ऑक्सीजन फिर जो है नाइट्रोजनज को इनहिबिट नहीं कर पाएगा क्लियर इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इक्रोव लिव एज एरो लिविंग कंडीशन देखिए इन बड़ी अच्छी बात है ये जो माइक्रोव होते हैं बेटा जैसे जो आ, आप देख रहे हैं तो क्या होते हैं ये जो है वो जब फ्री लिविंग कंडीशन होते हैं तब जो है ये एरोबिक वैक्ट्रा के सामान काम करते हैं वेर नाइट्रोजनज इज नॉट ऑपरेशन आप जिनमें नाइट्रोजनस काम नहीं कर रहा होता है लेकिन जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं तब ये एनोरोबिक के सामान काम कर रहे होते हैं ताकि ये नाइट्रोजन एजेंट से काम ले सके मतलब सोचिए कहने का मतलब यह है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है जब सॉइल में फ्री लिविंग कंडीशन में प्रेजेंट था राइजोबियम में कंडीशन में प्रेजेंट था तब वो ऑक्सीजन भी यूज कर रहा था तो उस समय नाइट्रोजनेस काम नहीं कर रहा था लेकिन जैसे ही जैसे ही वो जो है वो जैसे वो कहा गया वो रूट नूडल के अंदर जाके भाग बन गया उसका इमोटाइल हो गया अब वो ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहा क्योंकि अंदर ऑक्सीजन पहुंची नहीं रही है लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रोक दिया है ठीक अब वो बगैर ऑक्सीजन के एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा होता है और नाइट्रोजनेस यहां पर अमोनिया बनाने का काम कर रहा होता है ठीक है यू मस्ट हैव नोटिस द इन द अबव रिएक्शन दैट द अमोनिया सिंथेसिस इज सिंथेसाइज्ड बाय नाइट्रोजनजाइम रिक्वायर ए वेरी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी आठ टीपी आपको जो है वो खर्च करने पड़ते हैं तकरीबन एक अमोनिया बनाने के लिए के दो अमोनिया एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन से बनते कुल सोलह एटीपी आपको खर्च करना पड़ता है के मतलब ये एक एन, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से महंगी प्रोसेस में से एक होती है ठीक है फिर इस अमोनिया का होता क्या है फेट ऑफ द अमोनिया एट फिजियोलॉजिकल पीएच के नॉर्मल पीएच पर अमोनिया को प्रोटोनेटेड करते हैं अमोनियम आयन, है आयन में बदल दिया जाता है इसको ठीक है प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटोनेशन बोलते हैं ठीक है कब होता है ये ये फ्यूजिकल पीएच पीएच 7 सेवन पे होता है सिक्स पॉइंट नाइन या सेवन पीएच पे होता है वाइल मोस्ट ऑफ प्लांट कैन एसिमुलेट नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयन याद रखिए पौधे जो है अमोनियम आयन का बड़े पैमाने पर स्टोरेज नहीं कर पाते हैं इसलिए झट जैसे अमोनियम आयन बनता है उसको वो एमिनो ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं और एमिनो एसिड के रूप में उसको स्टोर कर लेते हैं ध्यान से बात सुना क्योंकि अमोनियम आयन जो होता है वो टॉक्सिक होता है वो सेल्स वो को डिस्ट्रॉय कर सकता है इसलिए क्या होता है कि नाइट्रेट नाइट्रेट को सेल रख लेगी सेल नाइट्रेट को स्टोर भी कर लेगी कोई दिक्कत नहीं के, लेकिन अमोनियम आयन को रखने में उसे प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो टॉक्सिक होता है टॉक्सिक केमिकल होता है इसलिए अमोनियम आयन को जो आपको स्टोर करना है तो उसे एमिनोसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा मतलब उसे एमिनोसिड में कन्वर्ट करोगे फिर आप रख सकते हो उसको देखिए देयर आर टू मेन वेस्ट इन विच दिसकन प्लेस कैसे बनता है नंबर एक है रिडक्टिव एमिनेशन के रिडक्टिव एमिनेशन वेरी वेरी आईएमपी और मैं कह रहा हूं आपसे ये क्या ये ऐसे क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जामिनर ने नहीं पूछे मेरी बात सुनिए ध्यान से ये वो पोर्शन है जिसको अभी तक एग्जामिनर ने हाथ नहीं लगाया और यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है बिल्कुल है बेटा ओके ये एग्जामिनर के लिए एनसीईआरटी के अंदर का हिस्सा है जिसको पूछा नहीं गया अभी तक अब पूछेगा आपसे उठके इसलिए अलर्ट रहिए एकदम

अल्फा कीटोग्लिटिक एसिड एंड अल्फा कीटोग्लिटिक एसिड जो है वो कई सारे एमिनो एसिड के लिए एक रॉ मेटल के रूप में काम करता है ठीक है तो अमोनिया अल्फा कीटोग्लिटिक एसिड से रिएक्ट करता है और ये ग्लूटामिक एसिड बनाता है ठीक है देखिए अल्फा कीटोग्लिटिक एसिड है अमोनिया है एनएडीपीएच लगा है यहां पे ठीक है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजन एंजाइम ने काम किया यहां पे ग्लूटामेट बन गया

ये एमिनो रिसेप्ट एक्सेप्टर हो गया और बाकी जितने भी एमिनोश माने अलग तरह के उसको आप क्रिएट कर सकते हैं इस प्रकार से है ना तो द टू मोस्ट इंपोर्टेंट एमाइड एस्पराजीन एंड ग्लूटामिन फाउंड इन प्लांट आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्रोटीन ठीक है देखिए दो सबसे नहीं, इस पूरी प्रोसेस में सबसे इंपोर्टेंट एमिन, जो एमिनो एसिड्स हैं जो आ, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल है वो है एस्प्राजीन और ग्लूटामाइन है जो बड़ी मात्रा में बनते हैं इस प्रोसेस के दौरान दे आर फ्रॉम द टू एसिड 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 एस्पार्टिक एंड एंड ग्लूटामिक के जो प्रोसेस हो रहा है आपका डिरेक्टिव रियक्ट, एमिनेशन वाला प्रोसेस जो हो रहा है उससे ग्लूटामिक एसिड बना ग्लूटामाइन बन गया एस, जो है एस्पार्टिक एसिड जो है वो उसने एस्प्राजिन को बनाया उसने तो ये जो केमिकल है ये इस प्रकार से बन रहे होते हैं और फिर ये सेल के अंदर चूकी कई सारी बायोसिंथेटिक पाथ में चल रही होती है सेल के अंदर कई सारे जैव सांश्लेश मार्ग चल रहे होते हैं कई सारी बायोसिंथेटिक एक पाथवे चल रही होती है जिससे कि हम डिफरेंट एमिनोसिड को हम ड्राइव कर सकते हैं ठीक है दे आर फॉर्म फ्रॉम टू एमिनोसिड नेमली एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड रिस्पेक्टिवली बाय एडिशन ऑफ अनदर एमिनो ग्रुप टू ईच ठीक है The hydroxyl part of acid is replaced by the amino uh, amino radical के तो क्या करते हैं ताकि हम जो एसिड का जो हाइड्रोक्सिल पार्ट्स को अमीनो ग्रुप से रिप्लेस करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा सिंस एमाइड ड टू अदर पार्ट ऑफ द्लांट बाइलम क्या है एस्प्राजीन और ग्लूटामाइन एमाइड इनमें बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन होती है इनके पास इनको हम जो है ट्रांसपोर्ट करके कहीं और भेज देंगे और वहां से इनकी नाइट्रोजन को निकाल के प्लांट यूज कर लेगा ठीक है देखिए वही लिखा है सिंस एमाइट contains more nitrogen than the amino acid they are transported to the other part of the plant by xylem vessel ke se xylem vessel se ye sab mcq hai exam ke in addition along with the transfer stream the nodule of the some plant export fixed nitrogen as urates. ke yaad rakhiyega ek to ho gaya beta ek to jo nitrogen ab suniye Nitrogen का transported form जो xylem vessel में होता है क्वेश्चन nitrogen का transported form जो xylem vessel में होता है वो क्या है वो है amide. वो है एमाइट्स और यूराइड्स ठीक है यूराइड्स ठीक है तो एमाइट्स क्या है बेटा जो बनने थे एमाइट्स वो ट्रांसफर होते हैं हुआ, गुल्टामी, हुआ और यूराइड क्या होते हैं ये रूट नोड्यूल से कुछ फिक्स नाइट्रोजन जो होते हैं जो जो, नाइट्राइट्स हैं वो ग्रुप में इकट्ठे होते हैं और वो मूव करता है हम ये कंपाउंड में क्या होता है काफी अधिक हाई नाइट्रोजन कार्बन रेशन होता है तो नाइट्रोजन का अमाउंट अधिक होता है एस कंपेयर टू कार्बन के तो यूराइड्स और एमाइड्स जो होते हैं दे आर द ट्रांसपोर्टेड फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन के तो जो रूट नोड्यूल से पहुंचेगा वो यूराइड होगा हटके और जो वहां कन्वर्ट होकर एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू पहुंचेगा वो क्या होगा वो एमाइड्स होगा ठीक है क्लियर अब यहां पर क्या होता है यहां पर हमारा मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है थीके? यहां पर हमारा मिनरल न्यूट्रिशन जो है एस पर एनसीआर पूरे पॉइंट कवर किए बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीआर पूरा कवर खत्म होता है थीके? लेकिन उसके बावजूद मैंने आपसे क्या कहा था मैंने आपसे कहा था बेटा कुछ परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मिनरल न्यूट्रिशन एक बार पढ़ लेना बस मेरे कहने पर एक बार पढ़ लेना ताकि आप कोई एमसीक्यू बुक सॉल्व करेंगे ना तो आपसे क्वेश्चन बन जाए उसके मैं चाहूं तो उसको उसका भी लेक्चर ले सकता हूं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बेटा टाइम लिमिटेड है और हमको जो है कुछ एफर्ट आपको थोड़े से अपने लेवल पे भी करने पड़ेंगे ताकि हम कोर्स को स्पीड अप कर सके क्योंकि प्रॉब्लम यह है बेटा कि वो सब चीजें ऐसी हैं जो एक बार पढ़ने की है कि मैं बोलूंगा आप नोट्स बनाएंगे क्या समझ कॉन्सेप्चुअल ऐसे मैंने किस एलिमेंट से कौन से रोग को क्या नाम दिया हमनेट के वो पता हित के बाकी जो मेटाबॉलिज्म में जो मैकेनिज्म पूरा वो हम यहाँ पर पढ़ चुके ऑलरेडी और इससे और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी क्योंकि हमारा मैंने कहा ना बहुत सारा ऐसा हिस्सा एनसीआर का जो अभी तक पूछा ही नहीं गया है तो एग्जाम पहले वहां से क्वेश्चन पूछेगा समझ गए बात को इसलिए प्लीज़ समझिए क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है, है हमको एक चैप्टर में जो है वो इतना गहरा के चले जो गहरा चलेगा अंदर मतलब है, है, है ना बेटा चलिए तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए और मालूम है सब लोग बड़े बहादुर लोग हैं बड़ा मेहनत कर रहे हैं एफर्ट कर रहे हैं बेटा और लेकिन बात वही है बेटा कि हर दिन हमको अपने जुनून को रखना पड़ेगा Har din apne aap se kehna padega ki hum kar sakte hai. Har din apne aap ko motivate karna padega. All the best. Hi. To become an official commando of BioMentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test, you can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a mentors online app from Google Play Store.